कोरोना के दूसरी लहर में संकट, सियासत और सिस्टम की खामियों की खबरें तो आप देख ही रहे हैं। कहां कहां क्या क्या चल रहा है ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन नमस्ते भारत के साथ शुरुआत होगी इस वक्त पॉजिटिव खबरों के साथ। बिल्कुल शिखा, और जो पहली खबर है वो थोड़ी राहत देने वाली है। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की बदौलत देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो थोड़ी सी कमजोर होती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी इस लहर का जो कहर है वो जारी है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ चुका है, लेकिन दूसरी लहर अभी जल्द खत्म होने वाली नहीं। नए केसों का आना काफी हद तक टेस्टिंग पर भी निर्भर करता है। टेस्ट कम होंगे तो केस कम आएंगे, लेकिन जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी रेट कम हो रहे हैं। ये इस महामारी के बीच सुकून वाली खबर है। इतने मायूसी के माहौल में आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। इसका मतलब दिल्ली में अब काफ़ी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी नए केसों में कमी आई है, जबकि रिकवर हो रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 15,747 नए केस आए हैं, जबकि 26,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 312 मौत हुई है। दूसरी लहर में यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अचानक ही मामले तेजी से बढ़े थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कम भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 39,923 केस आए हैं, जबकि 695 मौत हुई हैं। इस दौरान 53,249 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि इन तीन राज्यों के अलावा कर्नाटक में तेजी से फैलता संक्रमण चिंता का सबब है। बाकी राज्यों का भी हाल देखिए। कर्नाटक में 24 घंटे में 41,779 नए केस आए, जबकि 37 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8,087 नए केस आए, जबकि 88 लोगों की मौत हुई। दूसरी लहर का कहर कुछ राज्यों में कम जरूर हुआ है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले दिनों में केस बढ़ भी सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।